अलगू वेलकम टू पैसा बोलता है इब्राहिम पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ और स्पेशली उनके जो लीडर हैं इमरान खान साहब उनका जो बेसिक कमिटमेंट रही है टू द पब्लिक बिफोर द इलेक्शन एंड आफ्टर द इलेक्शन के मैं जितना पैसा बाहर करप्शन का गया है वो मैं वापस लाऊंगा एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो ये जो पैसा है दिस इज़ गोइंग टू डिटर्मन कि हमारी जो इकोनॉमी है उस पर फॉरवर्ड um, किस तरफ जाती है क्योंकि जितना ये पैसा आएगा वो ही हमारी इकोनॉमी की जो नीड्स है वो पूरी करेगा इसको आज हम डिस्कस करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में बिज़नेस रिकॉर्डर के जो बीच रिपोर्टर्स है वो हैं जहीर अब्बासी साहब उनके साथ फजल शेर साहब सुहेल सरफराज़ साहब और तरन सिग साहब ये चारों जो हैं ये डील करते हैं ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ एंड वाई

या जो इनके हाँ ओवरऑल हमें फीलिंग मिलती है वो यही है कि ये डिपेंड कर रहे हैं सारा इसी मनी पे अगर वो आ जाए इनके पास mm. तो इनके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व भी रिज़ॉल्व हो जाएंगे mm. दो कि ये जो target, ये जो बजट डेफिसिट है दिस विल बिकम मीनिंगलेस ये जो करंट अकाउंट 19 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट है दैट विल बी टोटली दैट विल बी लाइक पीनट्स तो एसेंशियली दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी दैट दे सी कैन बी अचीव डू यू एग्री विद दैट एब्सोल्युटली अभी तक तो इनकी सारी इसी mm. यही फोकस रहा

उसके बावजूद भी डेफिसिट इनका बढ़ रहा है और फोकस इनका यही है उसी की वजह से <laughs> और रेवेन्यू जो है इन्होंने रेवेन्यू में तो कोई खातिर इंक्रीज नहीं किया है कुछ बल्कि तो माह में तो मैसिवली शहजाद अकबर इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे इन्होंने काफी स्टेटमेंट

हैं पैसे मुख्तलि दस ममालिक हमने उसको डिटेक्ट किया जो डिटेक्शन जो है जो वो पहले तो आइडेंटिफाई करना है ना कि गया कितना तो है, कि है सात सौ बिलियन डॉलर जी जी तो वो डिटेक्ट किया है की एक कि मुबैन तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे मगर उसको प्रूव करना अभी, प्रूव रहता है। अभी तक रहता है और ये कहते हैं की अभी तक तो जी आ, तो कुछ देने पंद्रह बिलियन डॉलर का उसने ये कह रहे हैं की हमने दुबई लैंड अथॉरिटी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है पाकिस्तानियों की है तीन सौ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है जिसके बाहर जेदादे हैं लेकिन बात ये है कि अभी तक आ, मतलब एक तो ये नहीं हुआ है कि ये आ, मतलब करेक्टली ये कोई करप्शन बनी है दूसरा कि इसको, ये तो बाद में होगा ना जी बट अभी वो आप कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई दो सौ दो सौ बिलियन के सात सौ बिलियन दुबई में कोई प्रॉपर्टीज है और पंद्रह बिलियन डॉलर की मतलब प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज प्रद्रह बिलियन की हैं और, और बाकी क्या है बाकी जो है ना मतलब इन लोगों ने लिस्ट बनाई है और यू के और यू ए में वन थाउजेंड प्रॉपर्टीज किया जी 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 दिस इज नॉट फॉर पाकिस्तानी जो रेजिडेंट है बाहर उसमें आ जाएंगे ना हुसैन और हसन नवाज नॉट रेजिडेंट इन पाकिस्तान वो तो नहीं काउंट होंगे जी जी जी

वेलकम बैक बैकमैंड जैसे कि सोहेल साहब हमें ब्रेक से पहले बता रहे थे ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थी दिस इज समथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हम उस वक्त उस प्रोग्राम में थे और uh, ये बहुत uh, ज़रूरी कहना है कि इंटरनेशनल जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो अब uh, वो अब इस किस्म की नहीं रही कि दे वुड वेलकम मनी फ्राम

Uh, ये, ये uh, okay. मेशन आना शुरू हो गई है स्विट्जरलैंड के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन हो गया है और एफबीआर ने क्योंकि स्विट्जरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ ओईसीडी एम आई राइट जी जी hmm. जी लेकिन स्विट्जरलैंड के साथ जो है वो अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन का रिवाइज एग्रीमेंट जो है वो अभी हाल ही में एफ ने नोटिफाई कर दिया है जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी है बट दिस इज ओनली रिलेटेड टू कि कितना ये ये क्या बताएगा इतना पैसा इस पाकिस्तानी पाकिस्तानी रेजिडेंट का है जी जी बिल्कुल इसमें जो है ये ओ के इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद तीन चार किस्म की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है जिसमें रिक्वेस्ट पे इंफॉर्मेशन कहा जाता है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का टर्म है स्पॉन्टेनियस इन्फॉर्मेशन और जैसा आपने कहा कि वो किसी भी स्पेसिफिक का भी मांग सकते हैं और इन जनरल भी जो है वो जी जी और जो इससे पहले जो एग्रीमेंट्स थे जैसे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो 2007 में कायम हुआ और बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर जी, जी 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 उसमें भी दो मिलियन या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन जो है वो बैंकों के लिए लाजिम है कि वो एफ एम यू को रिपोर्ट करें उससे भी कोई खातिर खार नतीजा नहीं निकला इसी तरह जो है वो जीरो रहा इसी तरह अवॉइडेंस ऑफ डबल टेक्सेशन ट्रीटीजी एट ममालिक के साथ हैं उसमें भी जो है वो कोई इस तरह की जो है वो रकम वापस लाने का क्या हमारा थे? ये जो जो एसेट रिकवरी यूनिट है वसल साहब इनको प्रोएक्टिवली सीख करना पड़ेगा जी बिल्कुल मतलब लग तो यही रहा है कि ये बहुत ज्यादा मतलब दे विल हैव टू प्रोसीड टू वांट द बिकॉज़ सोहैल साहब तो कह रहे हैं एक तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसकी क्या नौयत है ये तो नहीं मालूम लेकिन अभी ये है कि ये मुमालिक से अगर एग्रीमेंट करे तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि तब ये पैसा आएगा मतलब इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी डिटेक्शन भी हो जाएगी लेकिन उसके लिए अभी तक सिर्फ वो कह रहे हैं कि के साथ किया है तो वो भी मतलब इस तरह उसकी भी कोई चीजें सामने नहीं आई अभी है तक तो नहीं आई अभी तो टाइम है ना जी अभी तो बताइएगा क्या क्या चीज ये गवर्नमेंट अभी तक तो कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई है बट क्या लेजिस्लेशन ये सोच रहे हैं ए, लाएंगे जिससे कि ये फैसिलिटेट होगा पैसे आइडेंटिफाई करने भी और बाहर से मंगवाने के लिए भी लॉ मिनिस्ट्री ने जो है लीगल रिफॉर्म्स एक रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने जो हंड्रेड डेज का प्लान था उसके हवाले से प्रोग्रेस बन गया था उन्होंने उन्होंने दो लॉ जो है ना न्यू प्रपोज किए हैं एक तो है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल 2018 और दूसरा ये है विसिल ब्लोर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन बिल 2018 ओके okay. जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल है उसके तहत यह है कि पहले क्योंकि बेसिकली ये लॉ जो है ना ये एफ वी आर में भी है और एस एस सी पी के कानून में भी है नैब के कानून में भी है और जो एंटी करप्शन के कानून में उसमें भी मौजूद है अच्छा। लेकिन इशू जो मेन रहा है वो ये है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी या कोई बॉडी नहीं थी जिससे जो फॉरेन कंट्रीज है वो कम्युनिकेट कर सकते कोऑर्डिनेट कर सके okay. कि पैसा जो वहाँ से हम कंप्लेन कर रहे हैं किसी का बॉडी होगी फिर ये तो बिल ये बिल जो आ, इन्होंने इस बिल के अंदर वो बनाया है उन्होंने कहा है कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर है वो आ, फोकल पर्सन होंगे और वो ही जो है ना वहाँ यहाँ फॉरन वो में जो है वो कंप्लीट तो ये जो एसेट रिकवरी यूनिट है ये नहीं होंगे ये सेक्रेटरी इंटीरियर होंगे ये जो बिल है, है जो है वो सेक्रेटरी uh, इंटीरियर जो है वो फोकल पर्सन होंगे और वो जो है ना कंप्लेंट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए से जो है ना फोरम मालिक को भेज सकेंगे डू यू थिंक दैट्स वाइज जी ये उस पहले भी था लेकिन इसको बेहतर कर रहे हैं पहले हर एजेंसी जो है न, वो के उन्होंने ना उन्होंने बताया ना कि हर एजेंसी अपने-अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के थ्रू बेहतर थे लेकिन अब ये इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी लेके आ रहे हैं ताकि ये इंटरनेशनली जो ट्रीटीज़ है या उसके मुताबिक

क्योंकि उसको उसका नाम जब डिस्क्लोस कर दिया जाता था तो फिर उसकी जिंदगी को भी बड़ा खतरा होता था अब इन्होंने अच्छा ये कहा कि फायर मेंबर करेक्टली वो बेचारा जिंदा ज्यादा देर नहीं है। <laughs> नहीं अब उन्होंने ये किया कि उसका जो नाम है वो डिस्क्लोस नहीं करेंगे जब तक कि पूरी की पूरी इंक्वायरी जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाती ओके वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक विल कम राइट बैक प्लीज स्टे विद अस Welcome back, ladies and gentlemen. जी बता रहे थे कि विसल जो है वो एक्ट अब वो अब जी उसमें ये है कि वो उस बंदे की जो ना वो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक कि ना हो। ओके फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि आई नो uh, मैं ऐसे ही नाम किसी का ले लूं पॉलिटिशियन ए ने इतना पैसा बाहर भिजवाया जी तो ये करप्शन पैसा था ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्सैक्टली तो, तो वो आपका then, नाम जब तक कि वो कंप्लेंट uh, डिसाइड uh, नहीं हो जाती कमीशन सेटिसफाई नहीं हो जाता वो सारे को नहीं देख लेता वो आपका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे जब इमरान खान साहब बिफोर दिफोर जुलाई ट्वेंटी वो कहते थे मैं बहुत सारी चीजों का उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था कि एल जी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं ट्रांसपेरेंट करूँगा वो बताऊँगा क्या क्या घपले हुए हैं और जो घपले किए हैं नवाज शरीफ की गवर्नमेंट वो बताऊंगा मगर अभी तक कोई स्कैम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी नहीं आया व्हाई डू यू थिंक दैट इज जब ये आए थे शुरू में इन असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान साहब के अलावा प्राइम मिनिस्टर के अलावा कहा थे जी, हम के जो एग्रीमेंट हैं वो हम पार्लियामेंट में ले आएंगे और उसको पब्लिक जी, करेंगे। वो तो मैंने कह दिया ना कि किसी हवाले से कोई नाइड ना ना अभी तक किसका I don't know, कि you, क्या रीज़न है ज़्यादातर जो

तो यही you मतलब हाँ, जी मतलब कि कोई चीजें मेच्योर हो जाए तो बाद में हम इसको सुल so, साहब जी ब, जो है ब, बिल्कुल ऐसे ही है एफबीआर में भी कोई ऐसी बड़ी चीज जो है वो सामने नहीं आई है mm. लेकिन उसके बाद उनका जवाब और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल या दूसरी प्रोसीडिंग जो है वो अभी तो तक नहीं आई वॉट डू यू थिंक इसमें ये है कि देखें ये जो एल का जिसका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बेसिकली जब ये सुप्रीम कोर्ट में फेडरल मिनिस्टर आए पेट्रोलियम के इन्होंने कहा कि जी हम जो है ना वो आपको जो है ना वो पेश कर देंगे तो दूसरे नेक्स्ट में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको जो जब चीफ जस्टिस ने ये बात की तो उन्होंने हाँ. इन एग्रीमेंट्स को वायलेट करते हैं या पब्लिक करते हैं तो वो जो आपने एग्रीमेंट के अंदर जो क्लॉज होती है उसके अंदर लीगल सेंटिटी उसको आप वायलेट करेंगे और इसके प्रॉब्लम जो होता है आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में आपको जाते हैं क्योंकि टर्की का हार रहे हैं सात सौ मिलियन डॉलर साथ देना साथ है हमने और आ, और जगह हार रहे हैं फाइनल रेकोडिक भी उसमें भी रेकोडिक में है, है, वो रुका हुआ इस है उसमें इश्यूज हैं फाइनल क्वेश्चन आई विल आस्क फ्रॉम यू सिंस यू डू फाइनेंस व्हाट इज द फीलिंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री वो उधर इतनी ऑप्टिमिज्म नहीं है जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं कि ये पैसा ले आएंगे

फेक्टली राइट हमारे ना बजट डेफिजिट की कोई इशू रहेगा ना हमारा करंट अकाउंट डेफिजिट का कोई इशू रहेगा वी विल थ्रू एंड वी विल प्रॉबली एबल टू क्लियर ऑल आर पास डेट्स एज वेल जो कितने दे आर ओवर नाइन्टी नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री बिलियन डॉलर्स ये सारी चीज़ें सही हैं वी विश दम वेल अल्लाह करे कि ये चीज़ हो जाए बट देर इज इट्स नॉट गोइंग टू बी डेट ईजी बिकॉज जो लोग बाहर लेके गए हैं उन्होंने भी बफर्ज अपने रखे हुए हैं देयर आर देयर आर अदर ऑफशोर अकाउंट्स भी हैं जो उधर उन्होंने पैसा भी इधर-उधर कर दिया है इतना कोई आसान नहीं होगा और हमारे लॉज जो हैं वो चेंज होने की बहुत जरूरत है और वैसे भी uh, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो ऑर्डिनेंस uh, के थ्रू लाएंगे क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी uh, नहीं है सेनेट में व्हिच व्हिच अगेन वुड आई थिंक वीकन Rather than strengthen the validity of these laws and the and the, the time that these laws are uh, applicable. Magar, we wish the government well and I think this is a great initiative.